कॉलेज ने उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया है, डिग्रियां नहीं दी है, भगवान ने अपने गुणों से ये नाम कमाए हैं, वो दीनों के बंधु बने हैं, वो पतितों के स्वामीनाथ बने, इसीलिए उनको पतित पावन कहा गया है। तो ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए कि हमेशा हमारा अगर सबसे बड़ा कोई बल है तो वो भगवान है, बाकी सब बल बाद में आते हैं। पर आदमी भूल जाता है, जैसे गजेंद्र भूल गया ना, स्वबल लगाया, स्वजन बल लगाया, स्वबल खत्म हो गया, स्वजन बल खत्म हो गया, तब याद आया कृपा बल चाहिए, तब भगवान की शरण में गया, तब भगवान को पुकारा। द्रौपदी पहले सब जगह भटक ली, अंत में भगवान के पास गई। भगवान कहते तू पहले कृष्ण बुला देती तो इतना देर थोड़ी करता। तो ये बात बस हमें याद रखनी है कि जीवन में परिस्थिति कुछ भी हो, कोई भी हो, सहारा भगवान, बल भगवान, शक्ति भगवान। और हम भगवान से ये नहीं मांगते परिस्थिति ऊंच नीच होती है उसको ठीक कर दो, बिल्कुल नहीं, बस तुम हमारे संग रहो, परिस्थिति बुरी भी है तो भी संग रहो, ठीक मत करो, साथ रहो, तुम्हारा बल मिलता रहे बस, तुम्हारी शक्ति मिलती रहे बस, ये मांगना चाहिए भगवान, भागवत जी से। भागवत जी से कोई संसार की चीज मांग के क्या ले लोगे, पैसा मांग लेंगे कितने दिन चलेगा, एक दिन खत्म होगा, कपड़ा मांग लेंगे एक दिन फटेगा, गाड़ी मांग लेंगे एक दिन टूटेगी, घर मांग लेंगे एक दिन जर्जर होगा, पर भगवान की कृपा मिल गई ना तो खजाना मिल गया, भागवत कृपा का खजाना है। ये आशा जिसके हृदय में, आशा एक राम जी, एक भगवान की आशा जिसके मन में बची, इसलिए कल आपने कथा सुनी, गोपियों को क्यों इतना महान माना जाता, क्योंकि उनके पास कोई इच्छा बची नहीं, कोई इच्छा शेष बची नहीं उनके पास, जो भी इच्छा थी सब कृष्ण से जुड़ गई। जो भी इच्छा है, घर में खाना बना रही है तो अच्छा अच्छा भोजन बना रही है, खुद ही खाएगी उसको, बाल बच्चे ही खाएंगे उसको, पर कह रही है कि मैं श्याम सुंदर के लिए बना रही हूं, अपनी इच्छा ही शून्य हो गई। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा जब शून्य हो जाती है, भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, तो वहीं से भक्ति शुरू होती है। पर हमारा तो अभी हाल ही गड़बड़ है, हमारी तो इतनी सारी अभी आशाएं हैं, इतनी सारी इच्छाएं हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर दर्शन बाद में करते हैं, पहले मांगना चालू कर दें, भगवान को देखेंगे बाद में, पहले आंख मूंद करके बस ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे। अरे भगवान के दर्शन दो, बिहारी जी को निहारो तो बाद में मांग लेना, आंख मूंद के, वृंदावन आंख मूंदने वाली भक्ति नहीं है, वृंदावन तो आंख खोलने वाली भक्ति है। आंख मूंदना है तो जाओ हिमालय चले जाओ, यहाँ तो ठाकुर जी तुम्हारे लिए रोज श्रृंगार करते हैं कि तुम आकर के उनको देखो। राधा रमन जी रोज नूतन नूतन श्रृंगार इसलिए करते ताकि जाके उनको जी भर के निहारो, पर हम निहारते ही नहीं, बस मांगना मांगना। अब कोई महिला, कोई मैया घर में साज श्रृंगार करके आई और पति से पूछे मैं कैसी लग रही हूँ, और वो आंख बंद कर ले तो उसको कैसा लगेगा, अरे तुम्हारे लिए मैं साज श्रृंगार, तुम वाह वाह करो, गुण गाओ, इसलिए मैंने किया और तुम आंख बंद कर लिए। ठाकुर जी भी किसके लिए श्रृंगार कर रहे, अपने लिए, अपने लिए बताओ कौन श्रृंगार करता, आप करते हो अपने लिए श्रृंगार, घर में रहते हो तब 10-10 किलो का हार पहन के रखते हो, सोते समय जूता पहन के सोते हो, टाई लगा के सोते हो, किसके लिए हम बनठन के रहते हैं, लोग देखें। ठाकुर जी थोड़ी अपने लिए श्रृंगार, वो तो इसलिए कर रहे हैं कि मैं इतना सुंदर रूप बना लूं कि जो आए मुझे देखे और उसका मन अटक जाए, मुझे बस देखे और मन यही रह जाए। आई हैव लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, एक प्रचलित बात है वृंदावन की, तो मैं दिल भूल करके श्रीधाम में आ गया। और हम देखते ही नहीं, हम तो बस मांग 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 मांग, हर चीज में मांग, मां मुराद पूरी कर दे, अलुआ बांटूंगी, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, यही सब करते रहते बस। ऐसे लोग कभी भजन नहीं कर सकते, मांगने वाला कभी भजन नहीं कर सकता, मांगने वाला सौदा करेगा,
व्यापार करेगा पर भजन नहीं कर सकता, प्रेम नहीं कर सकता। तो ये है ब्रज की भक्ति।